Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 114 खोलें। यूनिट नंबर 5 है और सबक नंबर भी है 5। सबक का नाम है कंप्यूटर और उर्दू की दोस्ती। कंप्यूटर और उर्दू की दोस्ती, हम तो कंप्यूटर में सिर्फ इंग्लिश ही लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी ही टाइप कर सकते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम उर्दू भी लिख सकते हो? जी हाँ, हम उर्दू भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें या तो कीबोर्ड की ज़रूरत होती है या फिर किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिस पर उर्दू इंस्टॉल की गई हो या जिस पर उर्दू मौजूद हो, तभी हम अपने कंप्यूटर में उर्दू लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। छुट्टी का दिन था, असलम और आलिया दौड़ते हुए नानी के घर में दाखिल हुए और अस्सलाम वालेकुम नानी जान कहा। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए, बल्कि इजाज़त लेकर अंदर जाना चाहिए। वालेकुम सलाम, जीते रहो, नानी अम्मा ने जो पौधों को पानी दे रही थी जवाब दिया। असलम और आलिया नानी के पास जाकर खड़े हो गए। वो दोनों अपने छोटे मामू के साथ आए थे, वो भी बच्चों के पीछे पीछे घर में दाखिल हुए। बच्चों ने पूछा, नानी जान उमर और हुमा कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, अपने अब्बू के कमरे में होंगे, वहाँ जाकर मिल लो। उमर और हुमा असलम और आलिया के कज़न्स हैं, मामू के बेटे हैं, मामू के बच्चे हैं। वो दोनों बड़े मामू के कमरे की तरफ भागे। उमर और हुमा इन्हें देखकर खुशी से उछल पड़े। बड़े मामू कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहे थे। दुआ सलाम के बाद उमर ने असलम और आलिया को बताया, आज अब्बू हमें कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। उमर ने खुशी खुशी बताया है असलम और आलिया को कि आज अब्बू हमें कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, तो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, तुम लोगों को भी मालूमात मिल जाएगी। बड़े मामू कंप्यूटर पर कुछ लिख रहे थे। असलम कंप्यूटर स्क्रीन पर उर्दू के अल्फाज देखकर बहुत हैरान हुआ। वो स्क्रीन पर पहली बार उर्दू लिखी हुई देख रहा था। असलम ने सवाल किया, मामू क्या ये कोई ख़ास कंप्यूटर है जो उर्दू लिख सकता है? हमारे कंप्यूटर को तो सिर्फ इंग्लिश आती है। सफ़ा 115 पेज 115 पे आ जाए। मामू ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कंप्यूटर भी उर्दू लिख सकता है, बल्कि जो ज़ुबान चाहो उसे लिख सकता है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, उर्दू ज़ुबान का एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना होगा और उसे चलाना होगा। नहीं, अब असलम को मामू जान ने क्या बताया कि तुम्हारा कंप्यूटर भी उर्दू लिख सकेगा, लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी कि जब तुम अपने अपने कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर डालोगे, ये जिस ज़ुबान में तुम लिखना चाहोगे वो लिखेगी, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आलिया ने पूछा। मामू ने जवाब दिया, बेटा ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे माहिरीन बनाते हैं। इन माहिरीन को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाता है। जब सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और एक ख़ास तरीके से चलाया जाता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुताबिक काम अंजाम देने लगता है। हर काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर डालना होता है। जो काम करना हो उसके लिए वो वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। उमर जो ये बातें दिलचस्पी से सुन रहा था पहली बार बोला, उर्दू लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डालना होता है? मामू बोले, आमतौर पर इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर डाला जाता है, लेकिन अब MS उर्दू वर्ड भी मकबूल हो रहा है क्योंकि ये आसान भी है और हर कंप्यूटर में इंग्लिश वर्ड पहले से मौजूद होता है, बस इसमें मामूली सी तब्दीली करके उसे उर्दू वर्ड में तब्दील कर लेते हैं। अब असलम की हैरत कुछ कम हुई तो उसने बड़े प्यार से कहा, मामू अच्छा मामू मेरा नाम लिखकर दिखाएं ना। मामू कंप्यूटर संभालकर बैठ गए
उन्होंने स्क्रीन पर यह जुमला लिखा, असलम अच्छा बच्चा है, वो अपने बड़ों का अदब करता है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अल्फाज में अपनी तारीफ पढ़कर असलम खुश हो गया। अब तो बाकी बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया, मेरा भी नाम लिखें, मेरा भी नाम लिखें। शोर सुनकर नानी जान नानी अम्मा कमरे में आई और पूछने लगी, क्या हो रहा है? मामू ने उन्हें बताया, आज असलम और आलिया ने कंप्यूटर पर पहली बार उर्दू लिखी देखी है और अपना नाम कंप्यूटर पर देखकर खुश हो रहे हैं। नानी ने यह बात सुनी तो इन्हें खुशी भी हुई और हैरत भी। वो असलम से बोली, तुम भी मामू से कहकर अपने कंप्यूटर में उर्दू लिखने का तरीका डाल लो, काम आएगा। मामू बोले, अम्मी जान आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब तो बच्चों के लिए बहुत आसान सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, वो कंप्यूटर पर इंग्लिश के साथ साथ उर्दू लिखना भी सीख सकते हैं। मामू ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो जुमला लिखा था कागज़ पर इसका प्रिंट आउट निकाला और असलम को देकर बोले, ये संभाल कर रखो, घर ले जाकर अपनी कर अम्मी अबू को भी दिखाना, वो खुश होंगे। बारी बारी सब बच्चों ने असलम से ये कागज़ लेकर देखा। असलम के चेहरे पर फख्र और खुशी थी क्योंकि उसकी तारीफ हुई थी, इसलिए वो खुश हो रहा था कि देखो मेरी तारीफ हुई है, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं बड़ों की बात मानता हूँ।